हाय गाइस, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट इंटरव्यू जो 26 जून को इंटरव्यू हुआ था उसका कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं। आइए चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन है। क्वेश्चन पूछा गया था वो गूगल क्रोम क्या है। तो गूगल क्रोम एक ब्राउजर है जिसके माध्यम से हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है SERP क्या है। SERP है सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। अगला जो है पूछा गया था PCB क्या है, PCB का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से याद करके रखे रहिएगा। मॉडिफायर की कौन सी होती है, कंप्यूटर हो लैपटॉप हो तो उसमें मॉडिफायर की कौन सी होती है, तो तीन की होती है, CTR कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है और अल्ट होता है। ये तीनों की को मॉडिफायर की कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था CBI के निदेशक कौन है, तो CBI के निदेशक हैं आलोक कुमार वर्मा हैं। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल की आइकन पर क्लिक करें और ताकि ये आप तक आसानी से मेरा वीडियो पहुंच जाए। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आइए चलिए देखते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन था, हाँ ये देखिए पिछला वीडियो मैंने जो डाला था उसमें थोड़ा लिखने में गलती हो गई थी, वहाँ पर उपाध्यक्ष के जगह पर अध्यक्ष लिखा गया था, तो उसे मैं सुधार करके इसमें डाला हूँ। तो वह वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो उसे क्या कहते हैं, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो उसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट करेंसी कहते हैं उसे। ये सब कॉमर्स वाले क्वेश्चन से पूछा गया था। इजराइल की मुद्रा क्या है, इजराइल की मुद्रा सेकेल है। किस बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था, वह कौन सा बैंक है जिसका नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, तो वो है एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम्स में भी आते हैं और इंटरव्यू में भी पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ कौन सा नहर जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ स्वेज नहर जोड़ता है। चलिए आगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया वो महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी पुरस्कार कब मिला था। आप लोग जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छे क्रिकेटर हैं और इन्हें राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया था, तो वो है 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में मीठे पानी की झील सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में पूछा जाएगा तो वो है बुलर झील। बुलर झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो जो 2011 में जो जनगणना हुई है उसके अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति पुरुष स्त्री दर है वो 943। आगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था वो केमिस्ट्री का पूछा गया है मरकरी का संकेत चिन्ह बताओ, मरकरी का संकेत चिन्ह होता है HG होता है। अगला पूछा गया था ज्योति तीव्रता का मात्रक बताओ, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला ज्योति तीव्रता की मात्रक होती है। अगला जो पूछा गया था वो आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आँख की जो रेटिना है उस पर बना हुआ प्रतिबिंब किस तरह का दिखाई देता है, वो है वास्तविक और उल्टा दिखाई देता है, वास्तविक और उल्टा दिखाई देता है। अगला जो पूछा गया था वो अक्रिय गैस के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अक्रिय गैस आप लोग जानते हैं कि हीलियम होता है और इसी के जिसके लास्ट में अंतिम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तो अंतिम कक्षा में तो वो है अक्रिय गैस। तो यहाँ पर जो पूछा गया अक्रिय गैस के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो है 8। अगला पूछा गया था एक अवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, अवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, वो है 6.03 × 10³³, 6.03 × 10³³ होता है।
इसे एक मोल भी कहते हैं, एक मोल बराबर भी यही मान होता है 6.03023 इंटू 10^23। आइए आगे चलिए, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था गोबर गैस के प्लांट से कौन सी गैस निकलती है। गोबर गैस के प्लांट से मेथेन गैस निकलती है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपनी जगह पर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बेकिंग सोडा किसे कहते हैं। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो है जल में घुलने वाले विटामिन कौन सी होती है। जल में घुलने वाले विटामिन जो है वो विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है और विटामिन के होता है। ये तीनों जो विटामिन है वो जल में घुलनशील होते हैं। एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा कि विटामिन ए बी सी डी जितने भी विटामिन हैं वो सारे विटामिन के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि विटामिन से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो विषाणु से होने वाले रोग के नाम बताओ। तो विषाणु से होने वाले रोग के नाम रेबीज है, पोलियो है, चेचक है, एड्स है। ये सब कुछ बीमारियां हैं जो विषाणु के नाम से विषाणु से होने वाले रोग होते हैं। अगला जो पूछा गया तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर की होती है, जो कि जांग की हड्डी कहते हैं जिसे, वो फीमर की हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी। एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने जितने भी वीडियो अब तक अपलोड किए हैं वो सारे वीडियो के PDF आपको इस लिंक पर मिल जाएंगे, sites.google.com/sites/ इच्छा सेंटर ऑफ एजुकेशन। ये मेरा साइट है जो इसमें मैंने अपने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं वो उन सभी के PDF इस पर मैं अपलोड कर दिया हूँ। तो आप इस लिंक पर जाइए और यहाँ से आप सारे PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसे पॉज कर कर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए, अगला जो क्वेश्चन था वो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ये मैं अपने सही डाल दिया था, सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। अगला जो पूछा गया था वो है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा जो होती है वो उसे ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन था वो ब्रिक किडनी, ब्रिक को ही किडनी कहते हैं ये हिंदी में। तो ये ब्रिक किडनी का वजन, ये देखिए मैं थोड़ा मिस्टेक, वजन कितना होता है। तो किडनी का जो वजन है वो 150 ग्राम होता है, 150 ग्राम होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। ये भी ऊपर वाला ब्लड बैंक वाला भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक वो का क्या नाम है, वो पुस्तक कौन सी है, चरैवेती चरैवेती। इस पुस्तक को महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1 लाख रुपए का लक्ष्मीबाई तिलक पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये जो राज्यपाल राम नाईक द्वारा लिखित पुस्तक है चरैवेती चरैवेती, इस पुस्तक को महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1 लाख रुपए का लक्ष्मीबाई तिलक पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए चलिए आगे देखते हैं क्या हाँ, जो अगला क्वेश्चन वो पूछा गया है किस दूरसंचार कंपनी ने मोबाइल वॉलेट स्पीडवे की शुरुआत की। तो वह दूरसंचार कंपनी कौन सी है जिसने मोबाइल वॉलेट स्पीडवे की शुरुआत की। तो वो है BSNL, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड है जिसने मोबाइल वॉलेट स्पीडवे की शुरुआत की। वह एकमात्र खिलाड़ी कौन है जिसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह एकमात्र खिलाड़ी जो है वो है सचिन तेंदुलकर, जिसे मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं उसे मैंने अपने वीडियो में दोहराया नहीं है, इसलिए और भी प्रश्नोत्तर के लिए पिछला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जो कि पिछला वीडियो में मैंने ऐड कर दिया है। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर कीजिएगा। और आगे चलिए,
जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। एक बात ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग ये वीडियो तो जरूर देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना ही लाइक या कमेंट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए खास तौर से है कि वो उन्हें मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।